हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा कि भावना सब लोग गांव से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के लिए, और लाला ने जो ज़मीन खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। तो फाइनली अब ये आने वाले हैं दिल्ली। वैसे तो ये आ गए हैं, लेकिन पहले का जो शूट किया हुआ था तो इन्जॉय करते हैं। आज इन्होंने रास्ते में क्या मस्ती करी, आप बस बने रहिए आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ पर और इन्जॉय करते रहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ये प्यारी सुबह के साथ और ये प्यारे पहाड़ों के साथ। और आज हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तो हमारी तैयारी हो गई है। ये भैया आ गए हैं घोड़ा लेके, इसमें सामान जाएगा नीचे, इसके अंदर इसको डालते हैं। वहाँ पे और कुछ है? यहाँ तैयारी हो गई है, बस चले जाएगा ऐसे नीचे, और हम जो भी हाथ में हल्का फुल्का होगा वो ले जाएंगे सामान। अरे कैसे जाएगा, फाइनली हमारी जाने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर लगा रही है मम्मी विदाई का टीका, जो हमारी परंपरा है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में दिखाया है, किसी के भी घर से जब हम वापस जाते हैं तो हमारे वहाँ टीका लगाया जाता है। हेलो भाई, ठीक है? कनाड डेलिश नहीं दे रहा है ना, तो कनाड पुलिस की खबर जान लीजिए। ओए, चलो फाइनली हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलते हैं। फाइनली हम लोग अब निकल गए हैं। बाय, नमस्कार, बाय बाय बाय। ये हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए। पता नहीं इतने मोटे बंदर तो साले, ये पहाड़ की टच कर रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। बंदर तो कुपोषण के शिकार से दिखते हैं और ये ऐसे मोटे हो रहे हैं। हम अब पहुंच गए हैं दोराट की मार्केट, और ये है दोराट की मार्केट। यहाँ से दूनागिरी है 14 किलोमीटर, रानी के 34 किलोमीटर और योगदा आश्रम 1.5 किलोमीटर। अभी जानकी भाभी आने वाली है, हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, तो अभी मिलते हैं उनसे। आ गए हैं इनसे मिलने के लिए, हम वेट कर रहे थे इतनी देर से। अच्छा, गाड़ी वहाँ पार्किंग कर लो पीछे। नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। दोराट की मार्केट से हम निकल गए हैं और भाभी से मिल ली है। उन्होंने भी हमें बहुत बार बोला था आने के लिए। रानीगेट पहुंच गए हैं हम। रानीगेट क्रॉस कर लिया। वो देखो बिनसर महादेव। अभी हमने एक ब्रेक ले लिया है और हम यहाँ अभी नाश्ते के लिए रुक गए हैं, तो अभी यहाँ नाश्ता करते हैं। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है करण स्वीट्स रेस्टोरेंट लोधिया अल्मोड़ा वाले। यहाँ रुक गए हैं और यहाँ खाते हैं अभी खाना, और यहाँ बाल मिठाई भी है, तो यहाँ से बाल मिठाई भी ले जा सकते हैं। देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं। ये पकोड़े रायता आ गए हैं, और ये आ गया है कढ़ी चावल जोई भात, ये पराठा रायता छोले अचार आ गया है, ये मैंने और लाला ने अपने लिए मंगाया है, और जोई भात, और हेमू ने भी जोई भात मंगाया है। कैची राम मंदिर के पास पहुंच गए हैं हम, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, मस्त बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश के छींटे आ रहे हैं, और ये दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये पीछे जो अभी था वो था साई,
ये कैची राम मंदिर है नीम करौली बाबा का, बहुत फेमस मंदिर है ये, और दूर दूर से बहुत भक्त लोग यहाँ आते हैं। ये देखो यहाँ भंडारा भी हो रहा है, और ये है कैची राम मंदिर, ये है कैची राम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और इसके अंदर भंडारा भी लगता है। ये चमत्कारी बाबा थे। कौन? नीम करौली, मतलब रियल में थे ना? एक कंबल उड़ के रहते थे उनके फोटो जहाँ। हाँ हाँ, बहुत बात थे, बोलते कि उन्होंने ट्रेन बोला में तो, आ रहे थे तो ट्रेन ने चलाया नहीं, तो उन्होंने कुछ बोला तो ट्रेन ही रुक गई आगे जाके, फिर इन्हें ट्रेन में बिठाया करके ये पैदल आ रहे थे। इन्होंने किसी को वहाँ मरे, ये मथुरा उधर था इनका, उन्होंने बोला ये आज ऊपर होगा, इधर ये भक्त था उसी को मानते थे सबसे। हाँ ऊपर उसको मानते थे ये, तो उन्होंने बोला अब मैं अपने पास उधर ही बुलाया था उन्हें कि तू आ जा, मेरा अब टाइम नहीं रह गया। ये हम नीम करौली मंदिर से थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ भैया जलजीरा बना रहे हैं, तो लाला अपने लिए ले रहा है जलजीरा। भैया कैसे बना रहे हैं? देखते हैं। नींबू डाल के, और भैया आपने इसमें क्या क्या डाला है? नींबू डाला है, नमक डाला है, काला नमक डाला है, चीनी डाली। ये हो रहा है जलजीरा रेडी, भैया ने बता दी है रेसिपी जलजीरे की अपनी। और बाकी यहाँ मैगी पॉइंट भी है एक, ये मैगी मसाला लगा हुआ है और ये लगी है मैगी, और यहाँ बनी है अभी चाय, और हमने अभी यहाँ दिया है भुट्टे का ऑर्डर, तो हम खाएंगे भुट्टे, तो अभी लगेगा यहाँ टाइम। ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, लाला ने तो सिकंजी पी ली है और हेमू वेट कर रही है अभी भुट्टे का। भुट्टा आ गया, अब हेमू अपना भुट्टा खाएगी, और ताऊ जी रोबो को पता नहीं क्या करवा रहे हैं। अच्छा, रोबो को बांध दिया ताऊ जी ने वहाँ पर, नमक जो हम नहीं चटनी भी लगा रहे हैं भैया, जो आप कह रहे हैं ये चटनी है ना उसी टाइप की। हाँ ये बना की है चटनी है ना भैया, ऐसा ना हो मैंने ही बोला और मेरा ही थोड़ा है, आपके हाथ जैसा लग रहा है मुझे, बाकी का ऑर्डर सॉफ्ट था। कोई नहीं, देख लो नहीं तो और कर दूंगा मैं दूसरा। टेस्टी है भुट्टा बहुत भैया, थैंक यू, अच्छा हो रहा है। ट्रैफिक बहुत हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट आने जाने वाले लगे हुए हैं कंटिन्यू, तो आज रखा है पेड़ यहाँ पर। ठंड लग रही है पर अब क्या करें, हमने सोचा दिल्ली जा रहे हैं तो जैकेट वैकेट सब संभाल दी है, तो अभी निकालने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आगे बारिश हो रही है, तो बस अब से ही जाना होगा हमें आगे, क्योंकि रामनगर से आगे नहीं पता, हल्द्वानी से आगे कि मतलब गर्मी है या क्या मौसम है वहाँ का, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं रूट का मज़ा आपको दिलाती जाऊँगी। बाबा मनोज चौधरी, लाला और हेमू ऑर्डर देके आ गए हैं मसाले डोसे का और पनीर डोसा। आप ही ऑर्डर देने गए हैं?
अभी हम गढ़गंगा के आसपास आ गए हैं, गढ़गंगा से थोड़ा दूर है अभी, एग्जैक्ट लोकेशन अभी हमें पता नहीं है, खाने के लिए रुक गए हैं अभी थोड़ा यहाँ। लोगों को खाना नहीं खिला रहे क्या? नहीं, लोगों की दिल्ली जाके पार्टी जबरदस्त, एक प्लेट जो है चिकन बिरयानी के साथ। फोटो भेज देना मुझे, डालना होगा। शेकेट नहीं लगाएगा ये बिरयानी खाने में, इतनी बड़ी हड्डियों को भी निकल जाता है ये रहा रोबो। हर रोबो को हमने खाना नहीं खिलाया क्योंकि इसे भी गाड़ी में उल्टी हो जाती है, तो बहुत रास्ते बड़ी। वैसे पता नहीं इसका भाग्य कैसा है, इससे जो भी जुड़ता है वो बड़ा प्यार करता है इसको। क्या बिजनेस मैन है ये मालिक के भाई, तो इसको कुछ कार्य उसी का हो जाता है। ये हमारा रोबो बहुत गर्व हो गया, बहुत ज्यादा। डोसा आ गया है, एक है पनीर डोसा, एक है मसाला डोसा, दो पनीर डोसा दो मसाला डोसा आ गए हैं। और अब हम ये क्या है, कैसे चले थे ना केरल की पैदाइश, ये चाय, इसका चाय कैसी है? ये हमारी लस्सी आ गई है, मैं और इमली की बेटे कुआ के घर पहुंच गए हैं और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। हम पहुंच गए हैं घर पे बुआ के, और पहुंच गए हैं यहाँ पर, और बुआ थोड़ा ठंडा पानी बना रही है। ताऊ जी और रोबो को हमने विनोद नगर उतार दिया था उनके घर के पास, और हम आगे आ गए थे, और आज हम बुआ के घर ही रुकने वाले हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और हमने बुआ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम यहीं रुकेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए जय देव भूमि, जय।